कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुई राधिका खेड़ा राजधानी रायपुर पहुंची, जहां उन्होंने एक बार फिर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से मैं पूछना चाहती हूं कि महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें करने से पहले वो सोचते क्यों नहीं। अपनी पार्टी की महिलाओं से कहते हैं न्याय मत मांगो, चुप रहो, तो विदेश में जाकर बड़ी बड़ी बातें कैसे कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेत्री अर्चना गौतम पर छत्तीसगढ़ में दुर्व्यवहार हुआ था, उनके साथ न्याय नहीं किया गया। प्रियंका गांधी का पीए संदीप सिंह ने दिल्ली में मिलने के दौरान गुंडे भेजे थे गौतम को मारने के लिए। कांग्रेस मुख्यालय में उस लड़की को मिटा दिया जाता है क्योंकि उसने संदीप सिंह के खिलाफ आवाज उठाई थी। सुरक्षा में और महिलाओं को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का सिर्फ एक ही बात है। अब ये बात करते हैं कि हम ऐसा कानून व्यवस्था खराब हो रही है। अरे आप अपना घर तो संभाल नहीं पा रहे, आप प्रदेश की कानून व्यवस्था पे सवाल कब उठाएंगे जब आप अपना घर ठीक रख सकते हैं। आप अपने घर की महिलाओं को न्याय नहीं दे सकते, लेकिन पूरे देश भर में महिला न्याय की बात करेंगे। डरो मत कहने वाले राहुल गांधी, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता अपनी महिलाओं के लिए। खुद डर जाते हैं जब ममता दीदी के बारे में बोलना होता है, डर जाते हैं जब सुशील आनंद शुक्ला के ऊपर एक्शन लेना होता है, सब डर जाते हैं और आके बड़ी बड़ी बातें करके प्रेस वार्ता करके जाते हैं। तो जो लोग उठा रहे हो झूठे आंकड़े, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, गलत आंकड़े बताओ, ये व्हाट्सएप फैक्ट्री की जो तरीके से जो बैठी हुई है इनकी प्रभारी सोशल मीडिया की, वही व्हाट्सएप के आंकड़े लेकर हर जगह घूमती है और लोगों पे गलत इल्जाम लगाती है। बहुत शर्म की बात है कि महिला सुरक्षा को इन लोगों ने एक मजाक, भद्दा मजाक बना के रख दिया है, और जो अपने घर की बेटियों को न्याय और सुरक्षा नहीं दे सकते, उनको कोई हक नहीं है कि वो प्रदेश की महिला या देश की बेटियों के बारे में सवाल। सबसे पुरानी पार्टी, उसके मुख्यालय में 24 अकबर रोड में जो एक मंदिर है सबके लिए, हर कार्यकर्ता के लिए, उसमें उस लड़की को पीटा जाता है। प्रियंका गांधी जी से मिलना तो बहुत दूर की बात है, वहां तो अच्छे अच्छे नहीं मिल सकते, लेकिन पीटा जाता है। और उसकी गलती क्या थी? क्योंकि उसने संदीप सिंह द्वारा की गई अभद्रता के बारे में छत्तीसगढ़ में आवाज उठाई थी। तो न्याय मांगो और नतीजा क्या मिले, ये था।